हे गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का सुस्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हम घर पे नेचुरल तरीके से टोनर कैसे बना सकते हैं। आप चाहो तो मार्केट से भी टोनर परचेस कर सकते हो, लेकिन इसकी कुछ गारंटी नहीं रहती है कि ये वो केमिकल फ्री होगा या फिर वो आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम सभी को पता है अगर हम मार्केट से टोनर अगर परचेस करते हैं तो वो काफी कॉस्टली होता है और उसमें केमिकल भी तो मिक्स होते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि हम घर पे बड़ी नेचुरल तरीके से टोनर बनाए और उसमें ज्यादा हमें इन्वेस्ट भी ना करना पड़े। जी हाँ दोस्तों, अभी समर का टाइम आ गया है। समर के टाइम पे हमारे स्किन पे बहुत तरीके के प्रॉब्लम आ जाते हैं, जैसे कि छोटे छोटे दाने तो सभी के फेस पे आ ही जाते हैं। आप में से सभी कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपके साथ ऐसा हुआ है। मेरे साथ तो ऐसा होता है दोस्तों। समर के टाइम में छोटे छोटे दाने स्किन पे आ जाते हैं, तो इन सबसे हम छुटकारा कैसे पाए? इन सबसे छुटकारा पाने का एक ही सोल्यूशन है दोस्तों, आपको अपने फेस पे टोनर का यूज करना चाहिए। टोनर आपको दिन में कम से कम 2 बार तो यूज करना ही है, एक मॉर्निंग टाइम में, एक नाइट टाइम में, या फिर आप चाहो तो दिन में 4 से 5 बार तो यूज कर ही सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। अगर टाइम नहीं है तो 2 बार तो कंपलसरी है यूज करना। तो आज मैं आपको होममेड तरीके से कुकुम्बर का टोनर बनाने का तरीका बता रही हूँ दोस्तों। ये काफी अच्छा होता है, किफायती होता है, हमारे स्किन के लिए ये काफी अच्छा होता है, आप सभी को पता है। इससे पहले मैंने आपको कुकुम्बर का फेस पैक भी बताया, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके जरूर फेस पैक चेक करना, सॉरी चेक नहीं, फेस पैक वाली वीडियो देखना और जरूर ट्राई करना, काफी अच्छा रहता है। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हम कुकुम्बर का टोनर कैसे बनाते हैं दोस्तों। अगर हम कुकुम्बर का टोनर यूज करते हैं ना, तो ये हमारे स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ, डीप क्लींजिंग प्रोवाइड करता है और कुकुम्बर का टोनर लगाने से हमें कूलिंग, रिफ्रेशिंग सा एहसास भी होता है, काफी अच्छा सा लगता है। और अगर आप टोनर का यूज करते हो तो आपको एंटी एजिंग की प्रॉब्लम है, रिंकल्स आ जा रहे हैं या फिर आपकी पफी आईज हो रही है, तो ये सबको ये काफी हद तक रिड्यूस करता है। तो कुकुम्बर हम सभी को पता है काफी किफायती, काफी अच्छा होता है। अगर हमारे आंखों के आसपास डार्क सर्कल हो जाते हैं तो भी हम कुकुम्बर का यूज करते हैं। सोचो अगर हम अपने पूरे फेस पे कुकुम्बर का टोनर यूज करेंगे तो ये कितना हद तक हमें इफेक्ट प्रोवाइड करेगा दोस्तों, क्योंकि हम सभी को पता है धूल धूप के कारण हमारे जो स्किन का नेचुरल टेक्सचर होता है ना, वो कहीं छुप सा जाता है अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं। अगर हम ध्यान रखते हैं तो वो हमारा जो नेचुरल टोन होता है ना दोस्तों, वो वहीं तक रहता है जैसा हमारा नेचुरल टोन है। मैं ये आप सबको नहीं बोलूंगी कि हम गोरे हो जाएंगे दोस्तों, आप सभी भी कुछ भी यूज कर लो, हम कभी भी गोरे नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ जो हमारा नेचुरल स्किन टोन है उसे हम बरकरार बहुत दिनों तक रख सकते हैं अगर हम अपने स्किन का ख्याल रखेंगे तो। तो आइए मैं आपको बताने जा रही हूँ कुकुम्बर का टोनर कैसे बनाते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। टोनर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक खीरा लिया हुआ है, खीरे का छिलके को हमें नहीं निकालना है। आप अपने अकॉर्डिंग खीरे की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो। खीरे को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है, मिक्सी में रखना है और इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। और इसके बाद हमें इसका जूस निकालना है, तो हम एक एम्प्टी बॉल लेंगे, उसमें हमें एक छन्नी के साथ इसका जूस निकाल सकते हो। थोड़े थोड़े करके मैं यहाँ पे जूस निकाल रही हूँ। ये टोनर जो मैं आपको बता रही हूँ ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, तो मैंने यहाँ पे जूस निकाल लिया है। उसके बाद इसमें हमें रोज़ वाटर ऐड करना है। मैं यहाँ पे रोज़ वाटर 5 to 6 स्पून ऐड करूँगी, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हमारा ये टोनर बनके तैयार है। और हमें एक स्प्रे बोतल भी चाहिए होगा, आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है तो आप सिर्फ बोतल में इसे ऐड करें, कॉटन बॉल की हेल्प से आप अपने फेस पे इसे लगा सकते हैं, नहीं तो स्प्रे बोतल है तो आप स्प्रे बोतल में इसे रखें। ये टोनर ऑल स्किन टाइप वालों के लिए है। इसे लगाने से पहले आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश करना होगा, उसके बाद हमें स्प्रे बोतल को अच्छे से मिलाना है, उसके बाद इसे हमें अपने फेस पे लगाना है। तो देख सकते हैं जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे ही आपको लगाना है, आपको अपने नेक पे भी लगाना है। इसे लगाने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा ठंडक का एहसास होगा, ये काफ़ी अच्छा होता है। आप इसे 3 to 4 times, 4 to 5 times या फिर 2 times भी यूज़ कर सकते हैं और हल्के हाथों से ऐसे पैट पैट करते हुए सुखाना है, या फिर आप स्प्रे करके इसे छोड़ सकते हो, ये ऑटोमेटिक ही सूख जाएगा और इसका रिजल्ट काफी अच्छा भी होता है।
तो दोस्तों आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मेरा DIY तरीके से टोनर बनाने का तरीका पसंद आया हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ मेरी वीडियो शेयर करें यार। और आप अपने फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करें क्योंकि आपके एक कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं, आप सभी को पता है। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर दिया करें जिससे मैं पढ़ूं तो मुझे पता चले आप सब मेरी DIY जो मैं आपको बताती हूँ आप यूज करते हो तो आपको इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। या फिर आप ये भी शेयर कर सकते हो कि हाँ ये सभी चीजें आप भी यूज करते हो, तो प्लीज आप अपने कमेंट्स मुझे जरूर दिया करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, लव यू।